हेलो गाइज, माय नेम इज चिराग यादव एंड यू आर वाचिंग कॉर्पोरेट वाले ब्लॉगर। एंड गाइज, आज हम बात करने वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। वो मेरे लिए डिस्कस करना थोड़ा सा टफ होगा, वर्क लाइफ बैलेंस इन आईटी कंपनी, स्पेशली आफ्टर द हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ ऑफ ईवाई एम्प्लॉय एना सेबेस्टियन। उनको आप सभी लोग जानते होंगे, लिंक्डइन पर आपने काफ़ी पोस्ट देखी होंगी, न्यूज़ वगैरह सुनी होंगी। एना सेबेस्टियन क्लियर्ड हर सीए एग्जाम इन नवंबर 2023 एंड जॉइंड ईवाई कंपनी फ्रॉम द पुणे लोकेशन इन मार्च 2024। एंड उन्होंने अपनी वर्क लाइफ में आने के बाद काफ़ी ज़्यादा वर्क प्रेशर फील करा एंड शी ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग ओवरबर्डन। Despite feeling anxiety, she felt chest pain once, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ा, but still she kept pushing herself. Sadly, she lost her life and even the shocking news is that उनके funeral में उनकी कंपनी से एक बंदा नहीं आया। तो ये बात हमको काफ़ी चीज़ सिखाती है जो कि हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सो लेट्स बी रियल, जो लोग एक्सपीरियंस हैं, हम कभी ना कभी ये सिचुएशन सभी ने फेस कर चुके होंगे कि लेट नाइट तक काम करना बिकॉज ऑफ डेडलाइंस एंड टारगेट अचीव करना एंड हमेशा स्ट्रेस रहना। तो मैं समझता हूँ कि काम करना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है, बट जब तक आपकी मेंटल हेल्थ पर फ़र्क ना पड़े और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब ना हो। अगर कभी आप ओवर प्रेशर हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके, ओवर बर्डन हो रहे हैं, तो आप कहीं घूमने निकल जाओ या उस चीज़ से थोड़ा ब्रेक ले लो, बट सिर्फ उतना ही काम करो, उतना ही काम लो आप अपने मैनेजर से, अपने बॉस से, कि जितना आप वर्किंग आवर्स में कंप्लीट कर पाएँ। सपोज़ करो मेरे को एक हफ्ते बाद कुछ काम देना है करके, तो मैं उतना ही काम लूँगा जो मैं 9 से 5:30 के बीच में ख़त्म कर पाऊँ। ये नहीं कि लेट नाइट तक मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरी डेडलाइंस वाली डेट आने वाली है, उससे पहले पहले मेरे को करना ही है, तो मैं पहले ही उतना काम लूँगा। मैं मतलब ये आप सोचोगे कि भाई मना नहीं कर पाते, तो भाई मना करना पड़ेगा, मना करना पड़ता है। मतलब एक ये भी एक स्किल आती है कि आप जब काम ज़्यादा आ रहा है तो आप मना कर दो कि नहीं मैं इतना ही काम करूँगा। सपोज़ करो मेरे को एक स्प्रिंट में 2 स्टोरी मिली हैं, तो इनफ है वो। अगर दो, एक में थोड़ा कम काम है, एक में थोड़ा ज़्यादा काम है, तो मैनेज हो जाता है। बट सपोज़ करो मेरे को 2 स्टोरी मिल गई, 3 स्टोरी मिल गई जिसमें ज़्यादा ही काम है, तो मैं अपने लीड को, जो मेरे सीनियर हैं, उनको बोलूँगा कि आप एक ये दूसरी स्टोरी किसी और को दे दो, क्योंकि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, इतना मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें मना करनी आनी चाहिए। कुछ आप बहाना बनाओ, कुछ भी बोलो, मना करना आपको आना चाहिए, क्योंकि काम ज़रूरी है बट उससे पहले आपकी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अकॉर्डिंग टू द सर्वे, ये देखा गया है कि आईटी कंपनीज में 80% एम्प्लॉय बर्नआउट फील करते हैं। एंड इसकी वजह सिर्फ यही है कि ओवर प्रेशर होकर काम करना, ओवर बर्डन होकर काम करना, डेडलाइंस एंड टारगेट्स अचीव करने की टेंशन, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया आपको। तो गाइस, सिंपल सी बात है, आप कुछ भी काम करो, कितना भी काम करो, इनिशिएटिव्स लो अपने काम करने के, एक्सपीरियंस लो, बट उसको अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो कि आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है तो आप काम कर पा रहे हो डे एंड नाइट जग के, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। एंड आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ के बीच में कि भाई मेरा टारगेट है मैं 9 बजे से 5:30 तक काम कर पाऊँगा, बस उसके बाद ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, उसके बाद मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाऊँगा। तो आप एक ऐसे अपना शेड्यूल बना सकते हो कि 9 से 9 बजे ज्वाइन करा, 5:30 बजे मैंने लॉग आउट कर दिया, उसके बाद मेरे को कोई मतलब नहीं है, उसके बाद मैं अपनी हेल्थ पर ध्यान दूंगा, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है अगर आप इसको कर पा रहे हो तो, क्योंकि कंपनी के लिए सिर्फ आप एक एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय भी नहीं आजकल तो कंपनीज में रिसोर्स बोलते हैं, आप कंपनी के लिए सिर्फ एक रिसोर्स हो। उनका काम होगा, आपको जो असाइन करते हैं वो सारा काम आप करोगे, दैट्स इट। एंड अगर आप आज क्विट कर दोगे तो आपकी जगह कल को कोई और आ जाएगा, बट वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। इसलिए अपनी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो बिल्कुल भी काम की वजह से, क्योंकि जो हमारे सीनियर्स होते हैं, जैसे कि मान लो आप स्क्रम मास्टर हो गया या मैनेजर हो गए, बॉस हो गए, इनका काम ये रहता है कि टीम से जल्दी काम कराना डेडलाइन से पहले, तो ये इनका काम है। बट आपका काम अपनी हेल्थ से ज़्यादा नहीं है, आपका काम आपकी हेल्थ से ज़्यादा नहीं है। अगर आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो बस वहीं ख़त्म कर दो, वहीं रोक दो कि भाई मैं इससे ज़्यादा काम नहीं कर पाऊँगा। और आपने देखे भी होंगे कि कुछ आपके एम्प्लॉयज़ आपके साथ जो काम करते होंगे, उनको कितना भी काम दे दो वो करते रहेंगे, वो कभी मना नहीं कर पाते। तो गाइस, उनसे थोड़ा दूर रहो, दूरी बना लो, क्योंकि एक मना करना भी एक स्किल है, और उनके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं किसी, शायद अपने मैनेजर को इम्प्रेस करने के लिए, अपने हाइक्स के लिए। तो
वो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बट आप कोशिश करो कि आप उनकी तरह ना भरो, जितना आपसे हो पा रहा है बस आप उतना ही काम करके दो, दैट्स इनफ। और जो लोग फ्रेशर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनको मैं आपको बता दूं कि आपके पास अपने फोर्थ ईयर तक दो तीन ऑफर लेटर सबके पास आ जाते हैं। तो किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करो, रिसर्च करो, लिंक्डइन पर लोगों से बात करो। आप पूछ सकते हो उनसे कि इस कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है, ऑफिस आवर्स क्या हैं, जिससे कि आपको पता हो कि क्या फ्लेक्सिबिलिटी क्या है उस कंपनी में ज्वाइन करने के बाद। ऐसा तो नहीं है कि मैं ज्वाइन करूँगा, ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग होने के बाद प्रोजेक्ट्स मिलेंगे एंड बहुत ज़्यादा फिर वही प्रेशर वगैरह आपको डालने लग जाएंगे काम के लिए। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करो कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है किसी कंपनी में, उसके बाद आप किसी कंपनी को ज्वाइन करो। एंड थोड़ा बहुत अगर ऑफर लेटर पैकेज आपका थोड़ा बहुत कम है किसी कंपनी का, बट वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको लगता है कि इसमें हाइक मिलेगी और कल्चर भी अच्छा है, तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हाई पैकेज है तो आप उसी में जाएं, क्योंकि बाद में शायद आपको रिग्रेट हो कि भाई इसका पैकेज तो अच्छा था बट मेरी हेल्थ ख़राब हो रही है, इश्यूज आ रहे हैं। तो उससे पहले ही आप अपना डिसाइड कर लो कि आपको वर्क कल्चर के हिसाब से कौन सी कंपनी अच्छी है। वर्क कल्चर एंड ग्रोथ दो चीज़ें चाहिए होती हैं काम करने के लिए। एंड बेसिकली ये वर्क प्रेशर जो होता है ये स्टार्टअप कंपनीज बहुत ज़्यादा देती हैं। जब आप कॉलेज प्लेसमेंट्स में बैठोगे तो स्टार्टअप कंपनीज भी आएंगी जो ऑफर लेटर पैकेजेस बहुत ज़्यादा हाई देती हैं। सपोज करो कोई नॉर्मल कंपनी 8-10, 6-7-8-10 का देती है, बट स्टार्टअप आपको 15 का दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे नॉर्मली रखेंगे, जैसा 8 LPA की कोई कंपनी है वो उतना काम करा रही है। एंड स्टार्टअप्स 15 LPA पे बहुत ज़्यादा काम कराते हैं। स्टार्टअप्स में होता क्या है कि आपको मोस्टली स्टार्टअप में, सभी स्टार्टअप की बात नहीं कर रहा लेकिन ज़्यादातर स्टार्टअप में क्या होता है कि आपको 24 hours अवेलेबल रहना पड़ता है। मैं जानता हूँ अपने कुछ दोस्तों को, जब मैं कॉलेज में था उन्होंने स्टार्टअप ज्वाइन करी थी कुछ लोगों ने, एंड उनको रात को 2 बजे भी कॉल आ जाता था कि भाई ये बग है, उनके मैनेजर्स का सीनियर्स का, कि ये बग आया इसको जल्दी से रिजॉल्व करके दो। तो वो रात के 2 बजे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एंड ऐसा भी नहीं है कि सैटरडे संडे है तो आप कहीं घूमने जा सको, तब भी कुछ ना कुछ काम आ जाता। तो स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा हेल्थ लाइफ हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्थ पे इम्पैक्ट ही डालता है, क्योंकि कोई टाइमिंग्स नहीं रहती, आपको 24 घंटे अवेलेबल रहना है, आपके कोई प्लान्स नहीं रहते, आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा। एंड गाइज मैं यहाँ पर कुछ टिप्स देना चाहूँगा जो कि कंपनी फॉलो कर सकती है, जिससे कि वर्क कल्चर उनका अच्छा बना रहे एंड कुछ एम्प्लॉयज एंड फ्रेशर्स भी फॉलो कर सकते हैं कंपनी को चूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लो जैसे कि मैंने अभी बताया, अपने पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ के बीच में, कि अगर आप ऑफिस आवर्स में हैं तो आप ऑफिस का काम करो, दैट्स इट। एंड जब आप ऑफिस आवर्स आपके ख़त्म हो गए तो आप अपने पर्सनल लाइफ में आ चुके हो, उसके बाद आपको काम से ऑफिस से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, आप अपना फैमिली देखो, अपनी हेल्थ देखो सबसे पहले। एंड सेकेंड नंबर पर हम बात कर लेते हैं कि कंपनी को एक अच्छे वर्क कल्चर के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स करते रहने चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉयज़ के बीच में एक बॉन्ड बिल्डअप हो जाए, जिससे कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मेरे को लग रहा है कि भाई मैं इनसे डिस्कस कर सकता हूँ तो वो चीज़ें मैं कर पाऊँ। जैसे सपोज करो मेरा सीनियर है या कोई जूनियर भी है तो मैं उससे कह पाऊँ कि भाई बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बताओ क्या करो, आप कैसे कर रहे हो इतना हैंडल, ये सब, तो वैसी बातें हम उनसे कर पाएँ। तीसरे नंबर की हम बात करें तो कंपनी को रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते रहने चाहिए, जैसे कि मीटिंग कर ली उन्होंने, मीटिंग रख ली जिसमें हम मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और हम जिसमें कि डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम सारी चीज़ें मैनेज करके रख सकें एक साथ। एंड वो कुछ रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करा सकते हैं जिसको हम पढ़ सकें एंड इम्प्लीमेंट कर सकें। एंड गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि लर्न टू से नो, आप मना करना सीखो। सपोज करो कभी कभार क्या होता है कि प्रोजेक्ट्स में जब एंड टाइम पर चल रहा होता है, रिलीज जा रही होती है, तो सैटरडे संडे को भी वो बोल देते हैं कि आपको वर्किंग है, करना पड़ेगा काम, तो उस चीज़ के लिए आप मना करना सीखो। अगर आपको प्रेशर आ रहा है काम का, आप नहीं करना चाह रहे, आपका मन नहीं है, तो आप उनसे मना करो, उनसे सीखो मना कैसे करते हैं। जैसे कि आप इवेंट के लिए बोल सकते हो कि मैं सैटरडे को वर्क नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा इवेंट है, फैमिली फंक्शन है, कुछ भी ऐसे कर सकते हो। एंड अगर आप फ्री हो, आपको इच्छा है करने का, आप चाह रहे हो कि चलो थोड़ा बहुत काम है कर देते हैं,
तो आप वो डेफिनेटली कर सकते हैं। एंड गाइज, मैं इस वीडियो में एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा स्पेशली एक्सपीरियंस लोगों से जो किसी कंपनी के अंडर अभी काम कर रहे हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी कंपनी का नाम एंड वर्क कल्चर और सारे एक्सपीरियंस के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, जिससे कि हमारे फ्रेशर्स लोग जो देख रहे हैं उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है एक कंपनी को सेलेक्ट करने में। एंड गाइज, इस वीडियो में काफ़ी बातें मैंने मिस कर दी होंगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ, बट इस पॉइंट पर कुछ बातें जो हैं याद नहीं आ पाती हैं, तो वो सारी बातें हम कमेंट सेक्शन में करेंगे। आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। एंड जो भी अगर मैंने कुछ मिस करा होगा, कुछ मेरे को याद आता है, तो मैं उसको पिन भी करूंगा कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपके मन में भी कुछ डाउट्स हैं तो आप भी मेरे को रीच आउट कर सकते हैं 1-to-1। लिंक्डइन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वहाँ पर मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। एंड कोई भी अगर आपके डाउट हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हम कुछ ना कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं एक वर्क कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए हर किसी कंपनी में। मैंने ये वीडियो बनाई, आप भी कुछ इनिशिएटिव लीजिए जिससे कि हमारी आईटी कंपनीज का एक वर्क कल्चर मेंटेन रहे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल चलती रहे। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव अ बिग थम्स एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप अपना ध्यान रखिए।